नमस्कार, स्वागत है आपका काशी एक्सप्रेस में। रविवार 29 सितंबर को पूर्णिया शहर के अग्निशामक केंद्र के पास आर्ट गैलरी में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के द्वारा नागरिक अभिनंदन सह वैश्य समाज समागम समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के डॉक्टर दिलीप कुमार जसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष पवन जसवाल, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, सदर विधायक विजय खेमका, महापौर कटिहार उषा देवी अग्रवाल, उप महापौर पूर्णिया पल्लवी गुप्ता, उप मुख्य पार्षद कस्बा सुभाष कुमार शामिल हुए। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं किलकारी के बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के सदस्यों द्वारा समारोह में शामिल हुए मुख्य अतिथियों को शॉल, बुके एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर अनुज कुमार के द्वारा शामिल हुए सदस्यों को मालाओं से युवाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जसवाल ने कहा कि वैश्य समाज की बात आज हो रही है, अगर समाज वर्ग एकत्रित होगा तभी देश एकत्रित होकर विकसित भारत बन पाएगा। यह जो वैश्य समाज 56 उपजातियों में बटे हैं, सभी फूल को एक माला में पिरो करके आज इस वैश्य की मालाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस समागम से ऐसा महसूस होता है कि यह एकता जरूर आगे बढ़ेगा, एकत्रित होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज को सदैव सम्मान देने का काम किया है। अगर देश में कोई प्रधानमंत्री बना तो वह नरेंद्र मोदी जी हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने तो पूरी दुनिया में आज एक वैश्य का बेटा भारत का सर ऊंचा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अन्य राजनीति पार्टी में यह तो निश्चित है कि वैश्य का बेटा ना उप मुख्यमंत्री बन सकता है ना अध्यक्ष बन सकता है, इसलिए हम लोगों को एक साथ संगठित रहना होगा। इस मौके पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज जाहिर है क्योंकि सीमांचल का क्षेत्र माननीय अध्यक्ष जी की कर्म भूमि रही है और माननीय अध्यक्ष जी इस क्षेत्र के एक एक गांव और के भौगोलिक आर्थिक स्थिति को भली और भली भांति से परिचित है। फिर भी मैं अपनी तरफ से उनकी छोटी बहन होते हुए उनसे आग्रह करती हूँ कि माननीय अध्यक्ष डॉक्टर शाह दिलीप जसवाल जी अपनी निगरानी में इस क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र बनाए ताकि हमारा पूर्णिया एक समृद्ध पूर्णिया और स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील हो। इन्हीं चंद सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि बोलने वाले अधिक है। किसी भी जाति जो हो लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा सबके बीच रोटी बेटी का संबंध है। अब गर्व से कहें कि हम वैश्य हैं, एक बार बोलिए गर्व से कि हम वैश्य हैं, गर्व से कहो कि हम वैश्य हैं। हमें महात्मा गांधी के संतान हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाया। मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि एक ही संकल्प, मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरा ये कार्यक्रम चलता रहेगा और तब तक अनवरत चलता रहेगा जब तक कि वैश्यों पर जो है ये जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो दोहन हो रहा है, जब तक उसका रोक उस पर रोक नहीं लगेगा ये मेरा कार्यक्रम और अभियान चलता रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश सांगी जी के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष पवन जायसवाल जी के निर्देश पर और हमारे अभिभावक किशोर बाबू और हमारे अभिभावक दिलीप जसवाल जी के निर्देश पर अनवरत चलता रहेगा। मैं फिर कहता हूं और पिछले बार भी कार्यक्रम के मंच पर कहा था, एक ही संकल्प एक ही नारा आगे बढ़े वैसा हमारा, आगे बढ़े वैसा हमारा, एक ही संकल्प एक ही नारा बिहार का मुखिया हो वैसा हमारा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम उपस्थित सारे सज्जनों का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे अखिल भारतीय कार्यक्रम में शिरकत किया, भाग लिया और इस कड़ाके के धूप और गर्मी और बरसात में मैं सभी का अभिवादन करता हूं और हमारे
अभिभाषण में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो। 56 उपजाति और उस 56 उपजातियां एक साथ मिलकर के आज 22 समागम का एक बैठक रखा था। इसका मकसद था कि ये समाज अपना जो है सभी वर्गों में जातियां हैं लेकर के ऐसे समाज में अपनी भागीदारी निभाए, इस बात की चर्चा हो रही है। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग यहाँ पर आए और सब मिलकर समाज कैसे विकास करे, समाज में सभी लोग एक माला में, सभी जाति और धर्म के लोग एक माला में मिलो कर कैसे समाज को आगे ले जाए, इस बात की चर्चा हो। कितना क्या कहेंगे तो आप आगे बढ़िए, किसी को लगाइए। दिलीप जायसवाल के सम्मान के लिए आयोजित था और ये काफी अच्छा से श्री अरुण शाह जी सबको संदेश जो समाज को उप जाति में नहीं बंटना है, सब समाज एक हो जाए, उप जाति सब खत्म हो जाए, एक हो जाए। जी मुखिया जी 56 जातियाँ हैं, सब मिलके एक वैश्य समाज बने और जो इसमें सब जो एक जाति बन के हम लोग जो सरकार चलिए। बहुत धन्यवाद।